नॉक नॉक आज हमारे पिटारे में क्या है आज हमारे पिटारे में है बहुत सारा मोटिवेशन बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए खासकर अभी के टाइम्स में बहुत सारी नेगेटिविटी है ये है वो है अरे ठीक है कोई बात नहीं लाइफ नहीं रुकती और उसके भी पहले कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है अपने आप से आप लोग सबके फैन हैं धोनी के फैन हैं विराट कोहली के फैन हैं है, ए पी जे अब्दुल कलाम जी के फैन हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैन हैं कभी ये सोचा कि इनने हमसे अलग क्या किया कभी क्या आपने ये क्वेश्चन किया कि वो वो क्यों है या वो उतने महान कैसे बन पाए एलॉन मस्क एलॉन मस्क क्यों है इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इतने बड़े बड़े नाम आज कैसे वो वो बन पाए जो वो आज हैं ये क्वेश्चन कभी आपने अपने आप से किया मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ वीडियो को पॉज करना दो मिनट सोचना कि मैम ने ऐसा क्या पूछा क्यों ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रखा और फिर वापस से प्ले करना क्योंकि आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है आंसर ये है कि जब इन लोगों ने कोई ड्रीम देखा कोई सपना देखा तो उस पर बिलीव करना कभी बंद नहीं किया उनको पता था उन्हें क्या करना है उन्हें पता थे उनके ड्रीम्स क्या हैं एंड दे वेरी वेल अचीव दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर इट भाई अगर ये लोग एक जगह पे पहुंच गए हैं बहुत महान बन गए हैं तो रुक जाना था इनने और ऐसी काम करने की क्या जरूरत है नाउ दे है पर फिर भी कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग वाई क्योंकि दे बिलीव इन सेल्फ इंप्रूवमेंट हम हमेशा सुनते हैं कि हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनना चाहिए हम जो कल थे उससे अच्छा हमें आज बनना है और कल हमें उससे भी बेहतर बनना है तो ये होने कैसे वाला है आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे बेस्ट और बेटर कैसे हम बन सकते हैं हम जो कल थे हम उससे आज और एस, कैसे अच्छे बन सकते हैं ये होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट से लर्निंग नेवर स्टॉप्स जो भी हम ग्रोथ करते हैं जो भी हम ग्रो करते हैं डेली बेसिस में वो कभी रुकती नहीं है वो निरंतर चलती रहती है राइट right? तो आज हम वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इस बारे में बात करेंगे बोलने वाला कौन है तो साक्षात मैं। मैं अगर ये बात आज आपको बता रही हूं तो मैंने अपने लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस किया है कभी हम भी छोटे थे कभी हमें भी लगता था कि काश हमें ये गाइडेंस मिल जाता कुछ चीजें हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई कुछ चीजें हमें हमारे ने सिखाई और कुछ चीजें हमने खुद गिर के सीखी राइट तो आज चालू करेंगे हम कि क्या वो 15 वेज हो सकते हैं जिससे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे वीडियो को रोकना मत सच में अगर कुछ बनना चाहते हो तो इसके आगे वीडियो पूरा देखना यहां तक तो चलो ठीक है जो भी बात हमने करी वो मैं आपको एक आई ओपनर की तरह थी आपके लिए पर के आगे का जो वीडियो है उससे भला मेरा नहीं होने वाला है उससे भला आपका होने वाला है ठीक है तो सबसे पहला तरीका जो हम बात करेंगे कि कैसे हम वो पा सकते हैं जो हमें सच में अचीव करना है तो देयर इज नो शॉर्टकट हर चीज के लिए हमें हार्डवर्क लगता ही है वो चाहे कोई भी चीज हो वो कोई छोटा सा काम करना क्यों ना हो आप मन घर में ये सोचोगे कि अरे क्या लगा पंद्रह बीस रोटियां बनाने में मम्मी को क्या मेहनत लगी होगी वो आज इतनी एफिशिएंट इसलिए हो पाई है क्योंकि कभी ना कभी उनने भी मेहनत करी है आज जो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मम्मी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है ये बना देंगी वो बना देंगी क्योंकि किसी भी लेवल पे हो छोटे से छोटे लेवल पे बड़े से बड़े लेवल तक बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता तो खुद से अंदर से विलिंगनेस आनी चाहिए ऐसा लगना चाहिए रोज सुबह उठ के कि हाँ कुछ ड्रीम है जिसको हम चेस कर रहे हैं और उसके लिए हमें हार्डवर्क करना है तो सबसे पहला थम रूल इज बी विलिंग टू वर्क हार्ड मेहनत करो एक बार ये जिंदगी मिली है हमको भगवान ने सब कुछ दिया है फिर क्यों नहीं हम वर्क कर सकते हैं ये कहो अपने आप से डेली कि नहीं कल जो नहीं हो पाया वो आज होगा सेकेंड थम रूल अब भाई वर्क करना है तो उसके लिए हमें जल्दी उठना भी पड़ेगा तो कोशिश करो जो भी आपकी दिनचर्या है जो भी आपका रूटीन है उससे थोड़ा पहले उठो मैं कहती हूँ पंद्रह मिनट ही सही डेली पंद्रह मिनट जल्दी उठते उठते आपका एक स्केड्यूल बन जाएगा हम लेट में क्यों उठते हैं पता है आजकल ये हमारे साथ भी हुआ कोविड के टाइम पे कभी बिंज वॉच कर रहे हैं कभी कुछ देखने बैठ गए कभी कुछ ऐसा दिमाग में ऐसा सोचने लग गए कि अरे काश ऐसा होता तो क्या होता कोविड नहीं होता तो क्या होता ये नहीं होता अब सिचुएशन है तो सही उसको हमको फाइट करना है इसके लिए बैठ के सोच के रात को देर में सो के अगर हम सुबह देर में उठते हैं तो ये हमारे लिए ही हार्मफुल है तो हमें आज से ये वादा करना है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे से आप ये प्रॉमिस करेंगे खुद से कि आप थोड़ा जल्दी उठेंगे इट कैन बी टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स हाफ एन आवर और देखना धीरे धीरे जो हमारा क्लॉक है माइंड का वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा ठीक है थर्ड अच्छी हैबिट जो हमारी होनी चाहिए अडेप्ट टू योर सर्कमस्टांसेज रैदर देन ओवर थिंकिंग देम अभी हमने ये बात करी ये है वो है ऐसा होता तो क्या होता पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ होता तो क्या होता अगर दिस वुड हैव बीन द सिचुएशन तो क्या होता हो रहा है कि अगर आपके सोचने से ऐसा हो रहा है सोचो बैठ के पर हो क्या रहा है कुछ कोई नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कितनी भी ओवर कर लो सिचुएशंस एज इट इज रहेंगी ओवर थिंकिंग से सिचुएशन नहीं बदलती ओवर थिंकिंग से सरकम नहीं बदलते हैं कैसे बदलते हैं आपके एग्जीक्यूशन से आपके हार्डवर्क से जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप सिचुएशन को बदल देते हैं या सिचुएशन के हिसाब से कई बार एडेप्ट कर लेते हैं एंड दैट टू अ पीसफुल एडेपेशन हमें कोई रिवोल्ट नहीं करना है कुछ नहीं करना है पीस ऑफ माइंड बना के रखना है अगर यहां खलबली मत जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है पूरे ड्रीम्स खराब हो जाते हैं आई हैव सीन पीपल जिनने अपने फ्यूचर अपने करियर अपने सपनों को खराब कर दिया जस्ट बाय ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगा तो तीसरा प्रॉमिस आज आप शपथ लीजिए मेरे साथ कि आप सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करिए उन्हें अगर आपको बदलना भी है तो उसके लिए प्लान और एग्जीक्यूशन करना है ओवर थिंकिंग करके खाली बैठे हैं या एट टाइम्स प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा कोई भला नहीं होगा ठीक है फोर्थ हैबिट जो आपकी होनी चाहिए एंश्योर दैट यू यूज योर टाइम वाइजली एक बार जो ये समय गया दोबारा वापस नहीं आता हम एक ही बार इक्कीस साल के हैं हम एक ही बार 25 साल के हैं दोबारा ये क्लॉक हमारे लिए पलटेगी नहीं टाइम की कीमत है सब कुछ वापस आ जाता है समय छोड़ के आपका पैसा घूम गया पैसा कहीं चला गया एक बार मान लीजिए कोई अटेम्प्ट में आप फेल हो गए वापस देने का मौका मिलेगा पर ये जो समय आप बिता रहे हैं या कई बार कुछ स्टूडेंट्स कुछ प्रोफेशनल्स भी इवन मैंने देखे हैं जो सोशल मीडिया में अपने समय को बहुत एफिशिएंटली मिस यूटिलाइज कर रहे हैं यस आई एम सेइंग एफिशिएंटली मिस यूटिलाइज। बैठे हैं रील्स देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं आपके सामने जो कुछ भी सर्व किया जा रहा है जरूरी नहीं है कि हम उसे कंज्यूम करें जरूरी नहीं है तो अपने टाइम को अपने हिसाब से प्रॉपर एक शेड्यूल बना के इन्वेस्ट करें वेस्ट मत करें फर्क है एक छोटा सा वर्ड मैंने बदल दिया है लेकिन जिंदगी का मीनिंग बदल जाता है जब हम अपने टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं टाइम वेस्ट मत करिए सोशल मीडिया में ये चीज़ें अभी भी पड़ी हैं आगे भी पड़ी रहेंगी पर अगर अभी आपके एग्जाम का टाइम है अगर अभी आपको पढ़ना है सोशल मीडिया विल नॉट लीड यू एनी वो जो रील्स में लोग डांस कर रहे हैं या जो वो फोटो शेयर कर रहे हैं आपके फेलो फ्रेंड्स या जो भी आपके कलीग्स वगैरह ये फोटोज वहां याद नहीं आएंगी पेपर में प्रोविजन और सेक्शन पूछा जाएगा प्रोविजन एग्जामिनेशन में कोई एक वर्किंग पूछी जाएगी कोई एक टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप किसी भी स्ट्रीम के प्रोफेशनल हो वहां पे वो प्रोफेशनल नॉलेज काम आएगी तो अपने टाइम को बहुत खूबसूरती से और अच्छी तरह यूटिलाइज करें इसे वेस्ट मत करें कभी वापस नहीं आएगी मार्क माई वर्ड्स मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में राइट आगे चलते हैं उसके बाद अगली जो एक अच्छी आदत हमारी होनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी की है। आप अगर ये सोचे ना कि आज मैं कीबोर्ड बजाने बैठ गई आज मैंने गिटार एक दिन प्ले कर लिया और अगले दिन मैं एकदम प्रो हो जाऊंगी इसमें आपको धीरे 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 कंसिस्टेंटली वो मेहनत करनी रहती है आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है किसी छोटे बच्चे को चलना कौन सिखाता है कोई छोटा बच्चा बोलना अपने आप कैसे सीख जाता है आपकी राष्ट्रभाषा आपकी मातृभाषा आप दोनों बोलते हैं किसी ने आपको स्पेसिफिकली बैठ के सिखाई नहीं आपने लोगों को बोलते सुना पेरेंट्स सिब्लिंग्स को बोलते सुना और बस सुनते 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 आपने उसे अडेप्ट कर लिया क्योंकि कंसिस्टेंटली आप वो चीज उनके मुंह से सुन रहे थे अगर ऐसा होता कि वो एक दिन बात करते और उसके बाद वो बात ही नहीं करते फिर एक हफ्ते बाद बात करते तो क्या आप 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 रिटेन कर कर पाते इतने सारे इतने सारे सारे वर्ड्स इतनी सारी जो टर्मिनोलॉजीज यूज यूज होती हैं याद कर पाते नहीं कर पाते कंसिस्टेंसी पेज ऑफ रोज थोड़ा, थोड़ा 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 आपको आगे बढ़ना पड़ता है घर एक दिन में नहीं बन जाता है एक एक पत्थर एक एक ईंटा रखते 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 धीरे धीरे पूरा घर बनता है तो कंसिस्टेंसी कैसा भी करियर ऑप्शन हो कोई भी करियर ऑप्शन हो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस आपको निरंतर मेहनत करती रहनी पड़ती है ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं गो एंड फाइंड योर हैप्पी प्लेस मैं आजकल देख रही हूं लोग पता नहीं आजकल ना लोग ढूंढने लग गए हैं कि आज हम किस बात में उदास हो आज हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है उदास होने को अब क्या करें अरे यार उदास तो लेकिन होना पड़ेगा क्योंकि हमें निगेटिविटी जो फैलानी है अरे क्या जरूरत है कोई भी छोटा अगर आप एक काम करना आज मेरे लिए एक, एक एक्सपेरिमेंट करना रस्ते में जाना कोई छोटा बच्चा आपको दिखेगा उसको एक चॉकलेट दे देना देखना वो कैसा खिलखिला के हंस देगा एक छोटे बच्चे को देखा है सिंपली उसके साथ पीका बू ताता भी खेल दो उतने में वो खुश हो जाता है कभी आपने ये चीज महसूस करी है कि वो कितना खुश रहता है वो कितना एनर्जेटिक रहता है बच्चे कैसे यहां वहां दौड़ते रहते हैं ज्यादा देर दिल पे किसी बात को रखते भी नहीं है एक चॉकलेट दो मान जाते हैं हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे साथ आज की तारीख में इतनी निगेटिविटी क्यों तो इसीलिए खुश रहिए पांडा को देखा है क्या मस्त खुश रहता है मैं तो बीच बीच में जब मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है वो फुमफु पांडा देख लेती हूँ बड़ा मजा आता है पांडा मेरा मुझे बड़ा पसंद है देखा है हर समय हैप्पी रहता है अकेले मस्त यहाँ वहां खेलता रहता है सीसो में खेलता रहता है हम आजकल एक और टेंडेंसी देखी है मैंने लोग सोशल मीडिया में जाके भी ना फाइट ये सारी चीजें देखते रहते हैं कहीं कुछ गलत हो गया है किसी ने किसी को मार दिया है ऐसे वीडियोस ऐसे कंटेंट को क्यों देखना रिपीटेडली आप जा जाके ऐसी नेगेटिविटी मत देखिए देखना ही है तो कुछ अच्छा देखिए राइट सो गो एंड फाइंड योर हैप्पी प्लेस जहां आपको खुशी मिलती है जिससे आप दूसरों को भी खुशी बांट सकते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में एक इतनी पॉजिटिविटी और एक इतनी एनर्जी रन हो जाती है कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए देखिएगा आप एक हफ्ते में कुछ और ही निकल के आएंगे बाहर राइट लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे ठीक है नेक्स्ट मेक श्योर यू एम्ब्रेस एम्ब्रेस ऑल योर इमोशंस जब भी कभी मैंने लोगों से यह सुना है ये बड़ा इमोशनल व्यक्ति है ये बड़ा इमोशनल है और इमोशनल वर्ड को लोग जनरली सैडनेस या निगेटिविटी के साथ रिलेट करते हैं एंड यू आर रॉन्ग इफ यू थिंक दिस आप गलत हैं अगर आप ये सोचने हैं कि कोई अगर इमोशनल है तो मतलब वो सैड है अरे इमोशन हैप्पी भी हो सकता है इमोशन सैड भी हो सकता है इमोशन आश्चर्य होना भी हो सकता है इमोशन गुस्सा होना भी हो सकता है इमोशन कैन बी एनी हम इमोशनल होने को सैडनेस के साथ क्यों रिलेट करते हैं इमोशंस जो भी हैं आपके अंदर उन्हें एम्ब्रेस करिए उन्हें गले लगाइए हाँ हम ऐसे हैं भाई मैं ओपनली बता रही हूं मैं अगर मूवी देखती हूँ और अगर मूवी में कोई ऐसा सीन आ रहा है ना जिसमें थोड़ा सा कोई उदास हो गया है कोई डॉगी है जो मर गया है कुछ हो गया है मैं रोने लगती हूँ कोई जॉम्बी वाली एक कोई मूवी थी उसमें भी मैं रोने लग गई मैं ऐसी हूँ मैं इस चीज को क्यों ना एम्ब्रेस करूँ क्यों ना मैं इस अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को गले लगाऊं मैं क्यों दुनिया से ये चीज़ छुपाऊं मुझे हंसी आती है तो जोर से हंसती हूँ जो भी इमोशंस आते हैं अंदर से जैसे अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ मैं खुल के बात कर रही हूँ मैं ऐसी ही हूं इस इमोशन को आपके इस फीचर इस करेक्टरिस्टिक को एम्ब्रेस करिए गले लगाइए इस 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 चीज को आप जैसे हैं आप अच्छे हैं सामने वाला आपको अपने आप पसंद करेगा आपको किसी और के लिए बदलने की भी जरूरत नहीं है जैसे हैं वैसे रहिए है आप देखिएगा आप में कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा आप कल से आज में बेहतर फील करेंगे जब तक आप अपनी स्किन में खुद कंफर्टेबल नहीं है जब जब तक आप खुद ही खुद को खुद छुपा रहे हैं दूसरों से तब तक दूसरा आपको कैसे पसंद करेगा अभी तक तो आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करते हैं तो दूसरा आपको कैसे प्यार देगा? जितना जब तक आप खुद को उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। तो अपने सारे इमोशंस को एम्ब्रेस करिए गले लगाइए और कहिए वाह क्या हूं मैं? तब देखिएगा लोगों की सोच में और आपकी खुद की सोच में खुद के लिए कितना बदलाव आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं ऑलवेज बी प्रिपेयर टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन नहीं 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 मैं ये नहीं ही कर सकता नहीं 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 मैं ये नहीं ही कर पाऊंगी कौन कह रहा है अरे ट्राई करने में क्या जा रहा है मैंने देखा है लोगों का ये एक एटीट्यूड होता है नहीं नहीं वो कोर्स ना डिफिकल्ट होगा ये हमसे नहीं होगा या कई बार लोग दूसरों को भी ये सलाह देते हैं अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है नहीं वो दीदी भैया ने बोला ना कि वो सीए बहुत डिफिकल्ट है वो दीदी भैया ने बोला वो आईआईटी जाना बहुत डिफिकल्ट है अरे पहले ये तो पूछ लो वो दीदी भैया खुद भी गए क्या सी ए में और अगर वो खुद गए और खुद बन गए तो हम क्यों नहीं बन सकते वाह भाई वाह ये अच्छी बात हो गई जब भई अगर मैं कहती हूँ मैं सी एस ठीक है मैंने और भी बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है वो तो खैर छोड़ो वो मेरे को बार बार सुनना पड़ता है कितना पढ़ेगी कितना पढ़ेगी क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग आई बिलीव लर्निंग की प्रोसेस कभी रुकती नहीं है अगर मैं खुद सी एस अगर मैं किसी को ये कहूँ कि नहीं तुम सी नहीं कर सकते तो मैं कितना सेल्फिश बिहेव कर रही हूँ यार मैं कभी सामने वाले व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही हूं या मैं सामने वाले को पर्सपेक्टिव ही नहीं दिखा पा रही हूं अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं आप खुद ये देखिए कि आपको उस एरिया में इंटरेस्ट है कि नहीं और अगर है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए नहीं मुझसे तो इतने ट्रेडमिल में दौड़ना होगा ही नहीं नहीं मुझसे तो भाई इतने स्कोट्स होंगे ही नहीं इट कैन बी इन एनी प्लेस इट कैन बी इन एनी प्रोफेशन खेल में भी हो सकता है जिम में भी हो सकता है पढ़ाई में भी हो सकता है म्यूजिक में भी हो सकता है नहीं नहीं मुझसे तो गिटार बजेगा ही नहीं क्योंकि वो यहाँ पे सब छिल जाता है लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा क्यों सोचना है ऐसा एक बार ट्राई करके देखते हैं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन ये तो मलाल नहीं रहेगा कि यार कभी ट्राई ही नहीं किया तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक बार देखिए जिंदगी का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा राइट नेक्स्ट बी ऑन हैंड टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करिए ये आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए इसका मकसद कुछ नहीं है इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर इसको चार लोग देखते हैं तो उन्हें अच्छा फील होगा मार्क माय वर्ड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए बाद में कभी और लगता है तो टू स्पीड में देखिए सुनते रहिए ये आपको अच्छा लगेगा ये मेरा सोच है ये मेरा सोचना है कि मैं किस तरह से दूसरे की हेल्प कर सकती हूँ कभी अगर किसी कोई मुसीबत में है अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करिए अगर आपको लगता है कि आज आपके एक फ्रेंड को कहीं से कहीं ड्रॉप करना ही ज़रूर कर दीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ते में कोई जाता रहता है भीग रहा है आपने कहा कि भाई आपको यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर दो जरूर करिए आपको अच्छा लगेगा अंदर से आपको लगेगा कि नहीं जो हमारी लाइफ है वो वर्थलेस नहीं है दूसरों की हेल्प करने से हमें ये फीलिंग आती है कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया एंड वी आर मेड टू डू समथिंग एंड वी आर डूइंग समिंग फॉर दी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी अपने लिए तो करिए ही अपने सोसाइटी के लिए भी इस एनवायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा करें तो अच्छा ही है राइट नेक्स्ट लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट इसका तो ना बड़ा प्रॉब्लम है मैं सही बता रही हूं ये होगा तो क्या होगा ये हुआ तो क्यों हुआ इन दोनों के बीच में एक प्रेजेंट मोमेंट भी है जो अभी है एंड द बेस्ट टाइम इज नाउ जो अभी ये समय है ना ये सबसे खूबसूरत समय है जो हमारे साथ चल रहा है कई बार मैंने ऐसा देखा है लोग कहते हैं अरे स्कूल टाइम तो बेस्ट टाइम था यार फिर कहा ऐसा टाइम है इसका मतलब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं हो हम ये भी तो कह सकते हैं क्या टाइम था वो और क्या टाइम है अभी क्या बुराई क्या है ऐसा कहने में और जो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है चलो एक काम करते हैं हम ऐसे आंख बंद करके सोचते हैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा है यही तो होना है यही तो लिखा है क्यों ऐसी निगेटिविटी इन करनी या क्यों ऐसा सोचना अरे फ्यूचर के बारे में सोचना भी है तो अच्छा भी तो सोच सकते हैं हम कि और वो फ्यूचर हमें मिलेगा कैसे खाली बैठे हैं शेख चिल्ली टाइप और हाँ ये ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया हाँ देखा सब हो गया अगर ऐसा होता तो इतने महान महान इतने बड़े बड़े लोग दिन रात मेहनत नहीं कर रहे होते थे वो आज कहीं पहुंचे हैं तो वो मेहनत से पहुंचे राइट तो पास्ट के बारे में फ्यूचर की चिंता में क्यों अपना आज खराब कर रहे हो जैसे कई स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं में फेल हो गया तो पेपर तो दे लो पहले तब फेल होने पास होने के बारे में सोचना अभी से क्यों सोच रहे हो वेन यू आर स्टडिंग वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स तब ये क्यों सोच रहे हो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा बहुत दूर की बात है अभी तक तो पेपर भी नहीं दिया है तो पास्ट में ज्यादा लिंगर मत करो फ्यूचर की ज्यादा चिंता मत करो अभी के मोमेंट में रहो जो कि प्रेजेंट मोमेंट है जो आपको गिफ्टेड है कई लोगों से प्रेजेंट मोमेंट छिन जाता है तो जब आपको मिला है तो उसके लिए ब्लेस्ड फील करो और इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो अगेन शपथ लेनी है कि आज से हम पास्ट के बारे में सोच के चिंता नहीं करेंगे परेशान नहीं होंगे दुखी नहीं होंगे और फ्यूचर का सोच के अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं लर्न समथिंग न्यू ये मेरा बिलीफ है अब वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है गिटार बजाना सीख लो कीबोर्ड बनाना सीख लो पेंटिंग कर लो बहुत से बहुत क्या होगा कुछ गलत बजेगा ना ऐं कुछ ऐसा बच जाएगा पेंटिंग कुछ और ही निकल के आ जाएगी कुछ नया तो करोगे जो ऑर्डनरी वे ऑफ लाइफ में कर रहे हो हमेशा उससे कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए इसको भी खाना देना पड़ता है ये जो ब्रेन है ना अगर इसको खाना नहीं दिया तो खाली दिमाग शैतान का हमें इस ब्रेन को भी कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है खुद अपने शरीर को चलाने के लिए पेट को खाना देना पड़ता है कि नहीं तो वैसे ही ब्रेन को कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली सर्विसिंग हमें करनी पड़ती है और वो कैसे होती है जब हम इसमें नॉलेज कोई भी नॉलेज नॉलेज मतलब सिर्फ एडुकेशन से रिलेटेड नहीं है दिमाग को ओपन करके सुनो आज की सारी बातें नॉलेज एक्वायर करना किसी भी चीज का हो सकता है वो संगीत हो सकता है वो आर्ट्स हो आर्ट की कोई विधा हो सकती है इट कैन बी स्टडिंग अबाउट न्यू अबाउट साइकोलॉजी अबाउट हिस्ट्री अबाउट पोलिटिकल साइंस अबाउट कीबोर्ड अबाउट गिटार और एनी थिंग जो मेन स्ट्रीम एडुकेशन जो भी आप कर रहे हो उससे कुछ अलग है अगर आप म्यूजिक में हो तो आप किताबें पढ़ लो आप अगर अकेडमिक साइड में हो अगर आप सी ए सी एस सी एम ए इंजीनियरिंग किस डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ नया म्यूजिक में सीख लो कुछ आर्ट में सीख लो पर कुछ अलग हट के करो और कुछ नया सीखते रहो और उसके लिए एज भी कोई बात वो ये नहीं होता है बैरियर आप कहोगे अरे हम सिर्फ तीस साल तक ही ऐसा कर सकते हैं क्यों भाई साठ साल के लोग मैंने देखे हैं सत्तर साल के लोग मैंने देखे हैं जो नया डांस फॉर्म सीखते हैं कोई स्केटिंग सीख रहा है कोई कुछ कर रहा है हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं वो खुश क्यों है पता है क्योंकि वो कुछ नया कर रहे हैं वो ये चीज का टेंशन लेके नहीं बैठे हैं। अरे काश अगर मैं ऐसा करता तो सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैं ऐसा कर लूंगा किसी के कहने पे नहीं सुनना है हमें सिर्फ अपनी बात सुननी है अगर आपको लगता है कुछ नया सीखना है आगे चलते हैं Exercise, daily, fitness. ये हुआ है मुझे कोविड हुआ था कोविड होने के बाद आई लॉट ऑफ वेट पर मैंने तैयारी चालू कर दी है मैं डेली जिम जा रही हूँ डेली एक्सरसाइज करती हूँ और मैं वापस अपने आप को उतना फिट कर लूंगी धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं एक्सरसाइज करने से सिर्फ आप फिजिकली नहीं आप मेंटली भी हेल्दी रहते हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है जब आप अच्छा फ्रेश फील कर रहे होते हो अपने ही शरीर में तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है तो इसलिए ये एक आदत डालिए कि आप डेली एक्सरसाइज करिए डेली आधे घंटे पौन घंटे ही सही पर इतना समय अपने शरीर को भी दीजिए ये साथ रहेगा पर अगर ये साथ नहीं रहा तो कैसे चलाएंगे शरीर को आगे आपने अभी पैंडेमिक के दौरान देखा ही है एक्सरसाइज को कितना वेटेज दिया गया जो लोग हेल्दी थे फिजिकली फिट थे उन्हें कोविड का इंपैक्ट कम हुआ तो इससे ज्यादा और एग्जांपल क्या चाहिए लाइव दिख रहा है सिनेरियो राइट नेक्स्ट गो टू न्यू प्लेसेस ट्रेवल अबिट एक ही जगह में बैठे हुए हैं दिन से रात तक इंस्टाग्राम फेसबुक में नई नई जगहें देख रहे हैं गेटअप और किसी भी नई जगह में खुद उठ के पर्सनली फिजिकली खुद प्रेजेंट हो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं वहां जाते तो कैसा होता वो जंगल जाते तो कैसा होता कुछ नहीं उठो बाइक उठाओ कार उठाओ टैक्सी करो फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जाओ और नई जगह देखो नई जगह जब आप जाते हो तो आप नए लोगों से मिलते हो जिससे आपके जो माइंडसेट है आपकी विचारधारा है वो खुलती है विच इज इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसी बात बोल रही है पर ये होता है मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है जब मैं नई जगहें जाती हूँ नए लोगों से मिलती हूँ उनके कल्चर को देखती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि अच्छा कि किसी कॉर्नर में इंडिया के किसी कॉर्नर में दुनिया के कुछ नया हो रहा है और हम यहाँ पे इसी लेवल पे बैठे हुए हैं तो आप कुछ नया कब सीख पाओगे कुछ नया करने के अंदर आपके ललक कब होगी जब आप नई जगह जाओगे नए लोगों से मिलोगे राइट इसलिए जरूर थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करिए अनडाउली जब कोविड रेस्ट्रिक्शन है तब मत जाइए पर एटलीस्ट अपने बिस्तर से उठ के अपनी टेबल चेयर से उठ के मैं कहती हूं गार्डन तक ही सही पार्क तक ही सही अपने शहर के किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में जहां सेफली आप जाते हैं वहीं पे देख के आइए चिड़ियाओं की आवाज सुनिए ट्रीज देखिए अच्छा लगेगा आपको ठीक है नेक्स्ट मेक श्योर यू हैव फ्रेंड्स हु यू कैन टॉक टू आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है बर्थडे विश है सब लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं पहले के समय कैसा होता था तीन चार ही फ्रेंड्स होते थे अभी इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बहुत हैं फेसबुक में फ्रेंड्स uh, बहुत हैं व्हाट्सएप में बहुत लोग स्टेटस डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं अपना कौन है उसमें से पहले ऐसा हुआ करता था कुछ लोग हुआ करते थे पर बड़ी मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते थे किसी की लेग पुलिंग होती थी पर साथ में मस्ती करते थे अभी ये एक इस जगह पे हम सीमित क्यों रह गए हैं ये एक ये इसने हमें समेट के रख दिया है सिर्फ अपने में हम कई बार ये भी करते हैं कि जो दोस्तों की भी बात होती है वो हम खुद ही खुद अज्यूम कर लेते हैं व्हाट्सएप चैट में या इंस्टाग्राम चैट में अच्छा अब अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा इमोजीज का सहारा लेना पड़ता है कि भैया जब मैं ये कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ या जब मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं हैप्पी हूँ कि मैं सैड हूँ इमोजीज के सहारे बताना पड़ता है अरे सामने मिलके बात कर लो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो रियल फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप बात कर सकते हो अपनी कोई सीक्रेट शेयर कर सकते हो या जस्ट आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो सामने वाले के पास एक आइडिया मेरे पास एक आइडिया हमने बात करी और हमारे पास दो आइडिया हो गए हैं ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे हम खुद ही खुद से अगर सिर्फ खुद ही खुद से ही बात कर रहे हैं तो हमारे आइडियाज हमारे थॉट सिर्फ हम तक ही सीमित रह जाएंगे तो मेक श्योर sure कि आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हों जो आपको गलत दिशा डिरेक्शन में ले जाए ऐसे नहीं अच्छे फ्रेंड्स हो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से वही होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं और आपके बाजू में हमेशा खड़े रहते हैं उसके अलावा तो सिर्फ हमारे नोन पीपल हो सकते हैं पर वो फ्रेंड्स कब होते हैं जब वो आपके बाजू में आपके साथ खड़े हैं राइट नेक्स्ट लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक एंड डांस ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम अपलिफ्टिंग म्यूजिक मैं कह रही हूं घर में खाली हम ऐसे डांस कर रहे हैं कुछ गाना सुन के क्यों नहीं कर सकते हम हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं अकेले में मस्त खुश हो रहे हैं क्यों नहीं कर सकते हैं ये अपलिफ्टिंग म्यूजिक का मतलब क्या है पता है जो आप को मोटिवेट करता है जो पॉजिटिव वाइब्स देता है एकदम उदास वातावरण में उदास होके बैठे हैं धीरे धीरे देख रहा हूं मैं ड्राउन होते जा रही हूं मेरे से नहीं सहन हो रहा ये ऐसा <laughs> नहीं करना है ठीक है खुश रहो खुशनुमा म्यूजिक सुनो और जगह लग भी रहा है तो वो जो ऐसे नहीं आता वो गणेश वणेश में आप अकेले में डांस सुन के डांस करो खुश रहो बस राइट कभी उदासी भी आती है उदास हो खुल के उदास हो आज हम उदास हैं कभी खुश हैं तो फिर खुशी खुश हैं। कभी है कभी गुस्सा आ रहा है अगेन एम्ब्रेस योर इमोशन गुस्सा आ रहा है क्या कारण है क्यों आ रहा है इशू को सॉल्व करो अंदर ही अंदर गुस्सा समेट के मत रखो इशू सॉल्व हुआ गुस्सा गायब ठीक है तो अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनो दोस्तों के साथ एंजॉय करो डांस करो जिससे आपको अच्छा फील हो अंदर से ठीक है एन अल्टीमेटली मैं हमेशा जो एक बात कहती हूं स्टे हैप्पी खुश रहो अगर हर समय उदास रहोगे हर समय नेगेटिविटी से घिरे रहोगे वो बात नहीं होगी जिंदगी जीने में फिर वो खाली जिंदगी काटना होगा हमें जिंदगी जीना है सिर्फ काटनी नहीं है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी वो तो है ही एक दिन पैदा हुए एक दिन मर भी जाएंगे उसके बीच में अगर हम खुश रह सकते हैं हंस सकते हैं अच्छा फील कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना है देख रहे हो पांडा कितना मस्त यहां से वहां, वहां से वहां हाथ भी हिला रहा है ही इज वेविंग एट यू क्यों ये आपको बता रहा है कि चिल मारो खुश रहो जो कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत से करो और नहीं मन कर रहा है तो मत करो किसी ने फोर्सफुली आपको किसी जगह पे भेज दिया है कोई फोर्सफुली अगर आपसे कोई काम करा रहा है अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ना आउटराइट कह दो मुझसे ये नहीं हो रहा है फोर्सफुली अगर किसी काम को करोगे जिसमें आप पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं दे रहे हो तो हमेशा याद रखना वहां उस जगह पे कहीं बीच में ही अटक के रह जाओगे ठीक है तो खुश रहिए पॉजिटिव रहिए इन टिप्स को एक बार फॉलो करके देखिए आई एम प्रेटी sure, श्योर डेली अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हो शपथ लो मेरे साथ कि डेली हम इन चीजों को कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अपनी आदत में लाएं। एक महीने बाद आप एक इंप्रूव्ड और चेंज पर्सन होंगे और डेली बेसिस में और भी इंप्रूव करते रहोगे बिकॉज देयर इज नो एंड लिमिट टू लर्निंग देयर इज नो एंड लिमिट टू इंप्रूव ठीक है ब्लेस्ड थैंक यू